नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। दोस्तों एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल के बारे में। फाइनल इनके फैंस के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज सामने निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, इनके साल 2024 में आने वाली वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म बाप को लेकर काफी बड़ी गुड न्यूज सामने निकल कर आ चुकी। जी हां दोस्तों, फिल्म के टीजर का इंतजार काफी जल्दी खत्म होने वाला, तो अगर आप भी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले कि हम बाप फिल्म के टीजर के बारे में बात करें, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म बाप को डायरेक्टर विवेक चौहान के डायरेक्शन में बनाया गया, जिसको कि अहमद खान ने प्रोड्यूस किया। और दोस्तों ये फिल्म जी स्टूडियोज के बैनर तले बनाई गई है। दोस्तों अगर बात करें फिल्म के टीजर के लेकर, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि फिल्म का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन भी काफी जल्दी खत्म होने वाला है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म बाप का टीजर हमें मार्च के महीने में ही देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों कुछ बड़े बड़े मीडिया सोर्सेज ने दावा किया कि इस फिल्म का टीजर हमें 8 मार्च मतलब महाशिवरात्रि के दिन देखने को मिल सकता है। और कुछ खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि अजय देवगन की फिल्म शैतान के साथ फिल्म बाप का टीजर दिखाया जा सकता है। दोस्तों फिल्म बाप एक ऐसी फिल्म है जिसका इंतजार सनी देओल के फैंस काफी दिनों से कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये फिल्म काफी पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन ये फिल्म कई दिनों से पोस्टपोन हो चुकी, जिसके चलते सभी लोग इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। और दोस्तों अगर बात करें फिल्म के बजट के बारे में, तो बताया जा रहा है कि पहले इस फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ के आसपास था, लेकिन दोस्तों अब इस फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ से भी आगे पहुंच चुका है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म अपने पहले दिन काफी शानदार ओपनिंग लेने वाली है। तो दोस्तों आप सभी इस फिल्म के टीजर को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।